अज फिर अपने चैनल का साथ देने वाले साथियों नूं बहुत बहुत प्यार। अज फिर उन्हां दा दिल दीआं गहराइयां विचों स्वागत करदे हां। दलील दी कही जोत सी जो जगणों बंद हो गई, कहा दिल सी जो धड़कणों रुक गया। एंगल्स दी मौत उत्ते लेनन ने रूसी कवि नेकरासोव दी यह तुक वरती सी। पंज अगस्त 1895 नूं अज दे दिन मजदूर जमात दे महान आगू अते अध्यापक फ्रैडरिक एंगल्स ने इस दुनिया नूं सदीवी अलविदा कहा, पर उन्हां दी सिद्धांतक सिक्ख्या दुनिया भर दे मेहनतकश अते दब्बे कुचले लोकां विच सदा ही धड़कदी रहेगी। सत्ताधारी जमात अते सरमाएदारां लई तूफानी खौफ बनी रहेगी जद तक मुट्ठी भर वेलड़ परजीवियां नूं सिरां तों उतार के मेहनतकश लोक धोबी दे कपड़े ज्यों पूंजे नहीं पटक दिंदे। किरती लोकां दे इस मसीहे दी तस्वीर कंध उत्ते उलीकण दा मन बनाया है प्रदीप ने। मेहनती लोकां दे इस आगू बारे कहण नूं शब्दां दा अमुक भंडार है, पर वीडियो दा समां इजाजत नहीं देवेगा, सो फ्रैडरिक एंगल्स बारे मोटे मोटे विचार ही सांझे करांगे। साथियो, एंगल्स मार्क्सवाद जां कह लो कि मजदूर मुक्ति विज्ञान दे पितामा कार्ल मार्क्स दे साथी सन। दोवें कम्यूनिस्ट मैनीफेस्टो दे रचेता हन। मुढ़ले दौर विच मार्क्स दा घर गुजारा चलाउण लई एंगल्स ने नौकरी कीती। एक अध्ययनकार साथी मुताबक एंगल्स वाई भाषावां दे ज्ञाता सन, पर मैनूं जो लिखती हवाला मिलिया है उस मुताबक 12 दे करीब भाषावां विच लिख अते पढ़ सकदे सन फ्रैडरिक एंगल्स, अते 20 भाषावां विच अखबार पढ़ सकदे सन। उन्नीवीं सदी के आरंभक दहाके सारे यूरप विच उद्योगिक क्रांति बरे सन, जदों यूके तो प्रेरित होके पछमी यूरप ते होर देश अजिहे कारखाने ला रहे सन जिहड़े कोले नाल चलणे सन, जिन्हां लई लोहा कोला ते आवाजाई दे साधनां दी लोड़ सी। नित दिन नवीआं काढ़ां कढ़ियां जा रहीआं सन, जिन्हां सदका उपज ने कई गुणा वध के मालकां दे मुनाफ़िआं ते पूंजी नूं कई गुणा वधा देना सी। जदों कारखानिआं दीआं बणीआं चीज़ां नूं वेचण दा संकट पैदा होया तां यूरप दे हिम्मती वपारीआं ने बाहरले देशां दीआं मंडीआं दी तलाश आरंभ दित्ती ते नाले दी नाल कच्चा माल लभण लई हथ पैर मारने शुरू कर दिते। इसे दी तलाश दा सिट्टा बस्तीवादी प्रबंध सी। यह समाजिक प्रक्रिया यूरप विच पहला आरंभ हुई क्योंकि इन्हां देशां विच जीवन हालतां बड़ियां कठिन सन ते कुदरती सोमियां दी घाट सी। कारखानिआं अथवा मशीनां दी काढ़ सब तो पहला इंग्लैंड विच आरंभ हुई, फिर हौली हौली यूरप दे होरना नाल लगदे देशां विच प्रचलित हुई। इंग्लैंड तों पिछों जर्मनी दूसरा देश सी जिथे कारखाने स्थापित होण लगे। इस परिवर्तन नूं विद्वानां ने उद्योगिक क्रांति दा नां दित्ता सी। फ्रैडरिक एंगल्स दा जन्म नवंबर 1820 नूं बारमैन विच इक कपड़े दे कारखाने दे मालक दे घर होया। यह स्थान पर्शिया दे रहीन प्रांत विच है।
जो पिछों जाके जर्मनी का हिस्सा बन गया। यह इलाका उद्योगिक तौर पर जर्मनी का सब तो विकसित सी। बड़ा चाह सी उसके पिता नूं कि मेरिया मिलों का वारस पैदा होया है जो बड़ा हो के इस कार्ज नूं संभालेगा ते नाल ही विकसित करेगा। ये आसां तां हर अमीर व्यक्ति नूं हुंदियां हन, पर किसी नूं इस हकीकत का अनुमान नहीं हुंदा कि इस नव जन्मे बालक ने वड्डा हो के किहड़ा राह ते किहड़ा मार्ग अपनाउणा है। जिन्ना चिर उसका पिता जिउंदा रहा वह कार्ल मार्कस नूं मंदा चंगा बोलता रहा ते आखदा मेरे मुंडे नूं उसने कुराए पा दिता है। इंगल्स का कार्ल मार्कस नाल संपर्क होया। पैरिस विच उस नाल पहली मुलाकात हुई। कार्ल मार्कस की मौत तो बाद एंगल्स ही सन जिन्हां ने 10 साल ला के पूंजी ग्रंथ की दूसरी ते तीसरी जिल्द मुकम्मल की सी। पूंजी की पहली जिल्द तैयार होने के लागे पहुँच चुकी सी, पर इस दे राह विच आईयां औकड़ां उत्ते काबू पाउणा भी आसान नहीं सी। कठिन मेहनत अते अध्ययन कारण कार्ल मार्कस की सेहत खराब रहने लग पई सी ते परिवार लई चिंता का कारण बनी हुई सी। परिवार माइक तंगी का शिकार रहिंदा सी। केवल एक ही साधन सी जिस नाल घर का खर्चा चल रहा सी, अते ओह सी सहायता जो एंगल्स भेजते सन, पर यह सहायता काफ़ी नहीं सी। मार्कस का परिवार वड्डा सी ते बच्चे जवान हो रहे सन, उन्हां दियां नित प्रति दियां लोड़ां पूरियां नहीं हो रही सन। कार्ल मार्कस की मौत पिछों जर्मनी वाले एंगल्स के साथियों मित्रां ने जोर पाया कि वह लंडन छड़ के जर्मनी आ टिके। अमरीका वाले मित्र उत्थे आ जाण लई जोर पाउंदे। सारे पक्ष सोच के एंगल्स ने आख्या जर्मनी स्विट्जरलैंड जां किते होर थां यूरप विच जाण दे सवाल का उत्तर यह तत्थ है कि किसी उस देश विच जाण तों इनकारी हाँ जिथों के मैनू कढे जाण दी संभावना होवे। इन्हां दिनां विच कार्ल मार्कस की लड़की इलोनोर अते मार्कस के घर की मुख निगरान हैलीन डीमुख एंगल्स के घर नूं संभाल ते चला रही सन। उन्हां दोवां दी सहायता नाल कागजां की छांटी का काम शुरू किया गया सी। उन्हां तिन्हां ने कई हफ्ते ला के कागजां खरड़ियां किताबां अते लिखतां दे टेढ़े काम नूं सिरे चाढ़िया। छांटी पिछों अद्धे टन दे करीब अखबारां ते फालतू कागजां दी छांटी कीती गई। इस कार्ज विच आस तों वध समां लग गया। छांटी पिछों 6 वड्डे ट्रंकां विच जरूरी कागज संभाले गए। मार्कस दियां कई पुस्तकां दे पन्नियां उत्ते कई जरूरी टिप्पणियां दर्ज सन। बहुतियां गैर संबंधित पुस्तकां मार्कस दी लड़की नूं सौंप दित्तियां गईयां। बाकी दियां लोड़ींदियां लिखतां अते पुस्तकां एंगल्स ने संभाल लईयां। अखीर सारी छांटी करन तों बाद मार्कस वाला घर खाली करके कुंजियां मालक मकान नूं सौंप दित्तियां गईयां। सारी छांटी तो पिछों हुण एक सहायक की मदद नाल पूंजी की दूसरी जिल्द की तैयारी का काम सिलसिलेवार ते गंभीरता नाल आरंभ हुंदा है।
पर काम शुरू करने बाद एंगल्स ने अनुभव किया कि दूसरी जल्द की तैयारी का बड़ा घट कम मार्क्स कर सकया सी। अपने साथी अगस्त बेबल नू इस बारे खत लिखते हुए एंगल्स ने आख्या, तुसी पुछदे हो कि यह सारा कुछ किवें होया ते मैनू किवें हनेरे विच रख्या गया कि काम किन्ना कु मुकम्मल होया सी। जे मैनू पता हुंदा मैं उसनू आराम नाल नहीं बैठण देना सी ते दिन रात ला के यह काम मुकम्मल करा के छपा देना सी। हुण यह कठिन कार्ज एंगल्स दे मोढ़ियां उत्ते आ पिया सी ते उस ने इसनू तनदेही ते लगन नाल करना शुरू कर दिता सी। उसनू पहली जल्द मुकम्मल करन विच 1.5 साल का समा लग गया। लोड़ों वध समय लई लगातार काम करदिआं उसनू हरनिया की तकलीफ दुबारा तंग करन लगी। अखीर 1885 फरवरी विच पूंजी की दूसरी जल्द तैयार हो गई ते जुलाई महीने विच इह छप के बाहर आ गई। एंगल्स नू कम ते संपूर्ण होण दी तसली सी। उसदे गूढ़े मित्र ते साथी दा कम सिरे चढ़ गया सी। पर इस दूसरी जिल्द दे छपण नाल एंगल्स ने अपने कम नू रोकिया नहीं, उन्होंने लगदे हथ तीसरी जिल्द उत्ते कम करना शुरू कर दिता। पर इस जिल्द की तैयारी विच कई औकड़ां सन। भावें उसने अपने दोस्तां नू कहा सी कि यह कम केवल कुछ महीनों का ही है, पर इस एक भुलेखा ही सी। उसनूं इस काम उत्ते 9 साल लग गए। कार्ल मार्कस बारे सोचदिआं वह हैरान हो जांदे, उन्हां नूं इह गल समझ ना आउंदी ते उन्हां मार्कस दी धी लारा नूं आख्या, मैनूं इह गल समझ नहीं आउंदी कि किवें इक आदमी जिसने इन्नियां महान खोजां कीतियां हन ते जिस दे दिमाग विच इन्नी विस्थारमई ते मुकम्मल सिद्धांतक क्रांति भरी हुई सी, किवें उसने इसनू 20 साल अपने दिमाग विच संभी रख्या। 1888 दी पतझड़ दे अंत तीक एंगल्स ने पूंजी दी तीसरी जिल्द दा खरड़ा तैयार कर लिया सी, पर अजे इस कापी नू सोध संवार के प्रेस कापी तैयार करन दी लोड़ सी। अखीर 1893 दे अंत तीक ओहो असली खरड़े दे हिस्से वारों वारी छापण लई प्रेस नू भेजण लग पए सन ते मई 1894 विच खरड़े दी अंतम किश्त तैयार हो गई। लैनन दे शब्दां विच अपने मित्र मार्कस लई ओह सब तों सुंदर यादगार तैयार करके छड गया। पर इह यादगार मार्कस इकले दी नहीं सी, सगों दोवां मित्रां दी सदीवी यादगार सी। अजिहे कार्ज इतिहास दीआं सदीवी प्राप्तियां हुंदे हन। विश्व दे किरती वर्ग दी मुक्ति दा इह 3 जल्दां वाला ग्रंथ इन्हां दोवां चिंतकां दी सब तों बडमुली देण सी। एंगल्स की मौत उन्होंने लंदन वाले घर 5 अगस्त 1895 में हुई, 20वीं सदी के आरंभ होने तो पूरे 5 साल पहला। एंगल्स की हदायत अनुसार सारिया रस्मां खास तौर पर निजी रूप दियां सन। मौत समय केवल 94 निजी दोस्त रिश्तेदार अते मजदूर लहर के 94 आगू ही सदे जाते सन। इन्हों की गिनती 80 सी। एक छोटी जिही रस्म हुंदी है, भावें गर्मियों की धुप निघ देण वाली सी पर वातावरण सोगमई सी।
ਏਂਗਲਸ ਦੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਹ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਰਾਖ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੋਗੀ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਥੇਰੇ ਰੂਸੀ ਯਹੂਦੀ ਸਨ। ਏਂਗਲਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤੋਂ ਸੋਗ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਏਂਗਲਸ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਮਾਧੀ ਜਾਂ ਯਾਦਗਾਰ ਨਾ ਉਸਾਰੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਰਾਖ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਜ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦਾ ਸਿਰਗੱਢ, ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਿਆ ਹੈ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ। ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਆਗੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਸਾਥੀਓ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਪਿਆਰਿਓ।